दुबई और स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत और भव्य होगा साइबर सिटी में बनने वाला ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट। यह कहना है सीएम मनोहर लाल खट्टर का। दरअसल कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के आसपास ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना है, जिसको लेकर पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुंबई में आयोजित की गई तो वहीं दूसरी बैठक गुरुग्राम में आयोजित की, जबकि तीसरी बैठक दुबई में आयोजित कर ग्लोबल सिटी का प्रारूप तैयार किया जाएगा। दरअसल इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को कैसे भव्यतम और खूबसूरत बनाया जाए, कैसे अत्याधुनिक सुविधाओं से सुजित किया जाए, इसको लेकर ऐसी राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। सीएम मनोहर लाल की माने तो यह ड्रीम प्रोजेक्ट 1008 एकड़ में बसाया जाएगा, जिसमें पूरा सुविकसित शहर बसाया जाएगा और मनोहर सरकार इसी ड्रीम प्रोजेक्ट की तैयारियों में जुटी हुई है। सीएम मनोहर लाल की माने तो आज की बैठक में अधिकारियों के साथ साथ उद्योगपतियों ने भी शिरकत की। हमने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उद्योगपतियों के सुझाव मांगे, जिन पर विचार कर इन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। वैसे तो कल तक हम हैं और दो तीन मीटिंग के बाद इकट्ठा करते, अच्छी बात थी। आज देखिए, जो कि पिछली बार भी हमने बताया था, ग्लोबल सिटी जो बहुत वर्षों से प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग था, उसके ऊपर अब लगातार चर्चाएं हो रही हैं। आज तीसरी हमारी डिस्कशन मीटिंग थी जितने डेवलपर्स थे उनके साथ। इससे पहले यहाँ 1 अप्रैल को मीटिंग हो रही थी, दूसरी मीटिंग 11 मई को हमारी मुंबई में होती, और आज ये 18 तारीख को यहाँ तीसरी मीटिंग फिर हुई है। और हो सकता है कि एक आध जगह हमको इस प्रकार की मीटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत अच्छे वैल्यूएबल सुझाव आए हैं कि किस प्रकार से एक आइकॉनिक सिटी ग्लोबल सिटी बने, ताकि न केवल देश के बल्कि दुनिया के लोग भी इस सिटी के बारे में कुछ आकर्षित हों और ध्यान रखें कि ऐसा आइकॉनिक सिटी का कोई एक विशेष एक उसका निर्माण किया गया है। उसका गुरुग्राम के लोगों को तो लाभ होगा ही होगा, अपने प्रदेश और देश के लोगों को भी इसका लाभ होगा। ये सब डेवलपर्स किस प्रकार के डेवलपमेंट करेंगे और वहाँ लोगों के अपने ऑफिस होंगे, अपने उनकी रेजिडेंस होंगे, इतनी पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो डेवलप होंगी, तो एक अच्छा बढ़िया एक सिटी बनाने का ये हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। USP तो ये कह सकते हैं कि आइकॉनिक सिटी कैसे बने, इसलिए सुझाव लिए हैं। सुझाव के बाद अब महीने दो महीने में जिसको हम फाइनल करेंगे, तभी उसमें से पता लगेगा USP क्या है। पहली USP तो यह है कि इसमें हम जो पहले से बने बनाए नॉर्म्स हैं, उसकी बजाय जो डिमांड है लोगों की या जिस प्रकार के सजेशन आएंगे, ऐसे इनपुट के आधार के ऊपर सारी प्लानिंग बनाएंगे। उस प्लानिंग में क्योंकि सारे इंटरनेशनल लेवल के लोग भी इसमें जुड़ेंगे, प्लानर जो हैं, डिज़ाइनर, वो इंटरनेशनल लेवल के भी हम लेकर के आएंगे, ताकि एक ऐसा आइकॉनिक सिटी जो देश में जाना जाए कि हाँ एक वर्ल्ड क्लास सिटी ये बनाई गई। नहीं नहीं, देखिए सारे प्रोजेक्ट हमारे 3 प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट को जो हाथ पकड़ा है तो उसको जल्दी शुरू करना चाहिए। जो 10 साल से पेंडिंग है, ये जमीन 2012 में एक्वायर की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाए। गुरुग्राम की बाकी चीज़ों पर हमारा फोकस था। अब मैं समझता हूँ गुरुग्राम का एक्सपेंशन अपने हिसाब से जैसे चल रहा है, यानी वहाँ का विकास GMDA कर रही है, वहाँ के विकास में HSVP के सारे लोग वो लगे हैं अपने तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो मेट्रो है, चाहे उसमें RRTS है, चाहे उसके अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे है, सब काम प्लानिंग में आगे चल पड़े। अब ये एक प्रोजेक्ट क्योंकि बचा हुआ था, इसको भी अब आगे बढ़ा करके इसको शुरू करना। बहुत अच्छा इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया इंटरेस्ट दिख रहा है, और उस इंटरेस्ट में वो कहते हैं कि इस प्रकार का एक आइकॉन बनाएंगे तो सब लोग इसमें आकर के, अब सुझाव सबके अलग अलग हैं, प्लॉट साइज क्या होना चाहिए, अब कोई ये भी है कि 100-100 एकड़ के होने चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं छोटे भी होने चाहिए, इसमें 100 एकड़, 50 एकड़, 25 एकड़, 5 एकड़, सब प्रकार के यानी प्लॉट्स की रचना करेंगे। वहाँ फिर कोई हॉस्पिटल भी अच्छा होगा, कोई अच्छा स्कूल भी होगा, अच्छा यूनिवर्सिटी भी होगी, अच्छा वहाँ कोई एक स्टेडियम होंगे, कोई प्लेग्राउंड्स होंगे, तो इस प्रकार से वहाँ कोई ना कोई झील का, कोई फाउंटेन्स का, एक प्लानिंग में बड़ी चीज़ें सब लगती हैं। इन्वेस्टमेंट तो स्वाभाविक है, जब प्लानिंग बढ़िया बनेगी तो इन्वेस्टमेंट अपने आप आएगी। सर,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ओपन फॉर पब्लिक होगा, ओपन फॉर वर्ल्ड होगा, तो सबको कहेंगे। ये तो फिर बिजनेस मॉडल है उनके कि कौन आके इन्वेस्ट करेगा कौन नहीं करेगा, इसमें हम किसी पर्टिकुलर आदमी को सामने रख के नहीं कर रहे। लेकिन जितने टॉप प्लेयर्स हैं इसमें, चाहे अपने देश के हैं चाहे बाहर के हैं, हम सबको वर्ल्ड वाइड उसमें निमंत्रण देंगे, सब उसमें पार्ट लेंगे और जितने सहभागी बनेंगे उतना इसके अंदर। अभी तो इंटरनेशनल डिज़ाइनर जो है उसके लिए हम संपर्क करेंगे, फिर दुबई का एक फाइनल हो गया कि नहीं, आर्किटेक्ट करें नहीं, एक इस प्रकार का हम सोचते हैं दुबई में भी, क्योंकि बहुत डेवलपर्स वहाँ हैं ऐसे, वहाँ भी एक इस प्रकार का डिस्कशन का वो रखेंगे ताकि इंटरनेशनल लेवल के लोग भी उसमें आ सकें। तो ऐसे एक एक स्टेप आगे बढ़ें। ये देखिए, हर किसी इस प्रकार के कॉन्क्लेव में सब बातें रखी जाती हैं, फिर उसके ऊपर आगे सुझाव मिलते हैं। और बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं अपने हिसाब से देते हैं, कुछ मध्यम दर्जे के होते हैं जैसे नरेडको है, जैसे ये जो अलग अलग डेवलपर्स की बनी हुई हैं, ऐसे एसोसिएशन बनी हुई हैं, तो उस एसोसिएशन के हिसाब से भी कुछ सुझाव आते हैं। तो सुझाव सबके अपने अपने हिसाब से होते हैं, हमने कुछ कंप्लीट यानी फाइनल नहीं किया है, फाइनल तो सबको बैठ करके एनालिसिस करेंगे, फिर इंटरनल मीटिंग करेंगे। हरियाणा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, मारुति का जो आप कहें तो एक लंबे समय से इंतजार था, उसको लेकर आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या है? देखिए, अब उनके साथ सारी बातचीत फाइनल हो गई है और कल जो है फॉर्मली उसको सिरे चढ़ा देंगे, और फॉर्मली सिरे चढ़ाने के बाद वो अपना काम शुरू। ये बहुत प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग होती रहती है, तो रजांगला का एक जो इसका मेट्रो का, हाँ तो मेट्रो का एक प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग के लिए मीटिंग। धन्यवाद। हालांकि अभी दुबई में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का होना बाकी है, लिहाजा मनोहर सरकार ने इस बैठक के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। धन्यवाद। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए दीप मेहता की रिपोर्ट।